को एडमिट किया कि सब कुछ जो भी किया है ये सब कुछ मेरे से हो गया है। मैं उसके बात था कि छुप जाएगी ये बात छुप जाएगी, किसी को पता ना चले। देखिए ऐसी बात छुपती तो नहीं है। एक नंबर पे लोग जो इतराज कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि हंस हंस के बात नहीं करनी, चाहे पहली कॉल थी तो भी आपको उसके साथ हंस के बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे लोगों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, उसने गलत बात की थी, आप उसको शटअप कॉल देती, आप बंद कर देती, लेकिन आप हंसी, वो भी उसने उसका हौसला बढ़ा होगा। अब दूसरी बात यह है कि जब आपने शोहर को नहीं बताया, अब जब बता दिया उसके बाद शोहर ने फिर क्या किया जी? उसके बाद हमने शोहर से पूछा, उसके बाद मुझे आइडिया नहीं है। आप साथ थी ना? नहीं, उसके बाद मैं घर आ गई ना। हाँ, जब वो गाड़ी में लेके गई थी तब मैं उनके साथ ही थी। नहीं, दोबारा आपके शोहर ने उसको घर बुलाया? आपने मेरे शोहर ने उसको अपने घर नहीं बुलाया, उसको इश्क का खुमार चढ़ा हुआ था, उसको खुमारी चढ़ी थी। मैंने आने वो पिछले 10 दिन से परेशान कर रहा था, कभी किसी मैसेज से, कभी किसी नंबर से, कभी किसी नंबर से। अभी उसका एक फोन हमारे घर में था, पता नहीं उसे कितने मेरे। हाँ जी, वो परेशान कर रहा था वो, और फोन मेरे शोहर के पास था। डायरेक्टली उसको फोन करके ये नहीं कहा भाई तुम क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हो, मेरी बीवी को तंग कर रहे हो? आप मेरे शोहर से ये बात पूछ लें। चले हम वो पूछ लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वो उसको बकौल आपके कि वो आना चाहता था वहाँ पे? हाँ जी, उसको बहुत ज्यादा इसकी कुमारी चिड़ी थी, मैंने आना है, मैंने मिलना। अच्छा, फिर जब मिलने के लिए बुलाया शोहर ने, घर पे बुलाया, उस वक्त आप किधर थी? अपनी देवरानी के रूम में। और उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं नहीं जानती। फिर जब आपके शोहर ने आपको बुलाया तब क्या था? हाँ जी, 3:30 या 4 बजे का कोई टाइम था, 3:30 या 4 बजे का कोई टाइम था। तो उसके बाद फराने ने कहा कि मुझे जाना है, मैंने कहा कि तबीयत खराब है, कहते नहीं बस मुझे जाना है, मेरे साथ आओ। मुझे था कि इनको कोई मसला हुआ है, कोई स्टमक का, इनको स्टेर किस्म का मसला हुआ है, मुझे यही था। तो मैंने कहा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहते नहीं तुम बस मेरे साथ आओ। मैं इनके साथ फ्रंट सीट के ऊपर आगे बैठी हूँ और ये मेरे साथ आगे ड्राइविंग सीट के ऊपर ये बैठी है, फ्रंट सीट पर मैं बैठी हूँ और हम चलते जा रहे हैं। पीछे गाड़ी में आपको नहीं पता क्या चीज पड़ी हुई? नहीं सर, आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और इतना टाइम हो रहा था, फजर की अजान हो रही थी और मैंने कहाँ लेके जा रहे थे? मुझे नहीं पता, वो चली जा रहे थे और मैं रास्ते में 2 दफा सो गई थी, इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं। और मैंने 1 दफा उठ के कहा कि हम किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इशारा करके कहा, मैंने कहा कि तबीयत ठीक है, फोन करूँ मैं किसी को बुलाऊं? तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किया सा इशारा किया कि किसी को नहीं बुलाना, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो कुछ मुंह में पड़ते जा रहे थे, कुछ मुंह में जैसे कोई दवा होती है या कोई दूसरी होता है, ऐसे वो पड़ते जा रहे थे। और उन्होंने मैं सो गई, उन्होंने एक जगह पे गाड़ी रोकी और गाड़ी काफी स्पीड से रोकी, और जब वो स्पीड से गाड़ी रोकी तो उस स्पीड से मैं उठ गई। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि फौरन ये पीछे गए हैं, ये राइट साइड पे, और राइट साइड पे गए हैं, इन्होंने एक लंबी सी चीज निकाली। और जब वो चीज निकाली तो उस टाइम मेरा दिल वहां पर ही बैठ गया, मैंने पांव के नीचे से उसी टाइम ही जमीन निकल गई। उन्होंने मुझे एकदम ही फेंक दिया, एक सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ये पूरा माजरा हुआ, फिर वो फिर गए, पेट्रोल डाला 2 सेकंड के अंदर, और उसके बाद आग काट दिया। आग वो जब उछली है ना, जो मैंने वो सीन देखा था, तो वो उछे के इनको पा रही थी उल्टा, वो उछे के उल्टा इनके पास आ रही थी, फरहान के पास, क्योंकि मैं तो गाड़ी में थी। और फरहान बहुत घबराए थे, बहुत डरे थे, और वो गाड़ी में बैठ गए। और जब गाड़ी में बैठ गए ना, तो मैंने कहा खुदा के बंदे ये तुमने क्या किया, ये क्या है? क्योंकि मुझे था कि इसने किसी को मार दिया या कुछ हो गया या कोई चीज ला रहा है। मैंने इसको कहा खुदा के बंदे तूने क्या किया, ये क्या है? तो इसने रोते हुए मुझे बयान किया, इसने कहा मानो ये रईस है। मैंने कहा कौन रईस? इसने कहा कि वही लड़का जिसे तुम्हें हाल लगाया था, जिसने परेशान किया था। मैंने कहा तुझे उसका ये हाल करना था, जिसके मेरे दरमियान उस टाइम ये बात हुई थी। तो उसने कहा कि मानो मुझसे ना गलती हो गया, कहते मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था, मैंने उसको आने की बहुत शिद्दत पड़ी थी, वो आया घब मन कराया, मैंने इसको मारना नहीं था, मैंने इसको इतना मारना था कि मैं उसको डरा देता कि वो दोबारा किसी कुड़ी की तरफ मुंह ना करता। लेकिन ना मैंने इसको जब मारा ना, तो एक डंडा उसके सीने के ऊपर लगा और उसकी उधर ही डेथ हो गई। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम क्या करूं क्या ना करूं। और फरहान ने सब कुछ कर दिया और मेरा रिएक्शन बहुत ज्यादा उखरा उखरा था, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। के बाद फिर कितनी देर बाद पुलिस ने आप लोगों को पकड़ लिया? पुलिस हमारे घर आ गई थी कोई 12 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, 15 घंटे पकड़ लिया आपको पुलिस ने जी। और जब पुलिस ने पकड़ा तो मैंने उनको
पहले ही मैंने मेरी उनके साथ दो कमिटमेंट ली थी, एक मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा और एक मुझे कोई गाली नहीं निकालेगा, मैं सारी बात आपको बताती हूँ। ये दो मेरी उनके साथ कमिटमेंट ली थी लाहौर पुलिस के साथ। और मैंने एक बात उनको की थी कि मैंने बचपन से सुना है कि पुलिस वाले बहुत गंदे होते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा सर। जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो ड्रामों में देखते, मैंने ये दो बातें सर की और मैंने इनको सारा प्यार कर दिया। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी हैं, तो इसलिए। और उसके आधे गेट मैंने इनको ए टू जी सारा बयान कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे सर को बयान कर रही हूँ, ए टू जी साइड बार बयान कर दी। और उसके बाद आधे घंटे बाद में फरतूजी साइड बार बयान कर दी। और उसके बाद आधे घंटे बाद में फरहान ने इस बार को एडमिट किया कि सब कुछ जो भी किया है ये सब कुछ मेरे से हो गया है, मैं उसको ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी जान वहां पर नहीं निकल गई। अब यहाँ पर सारे सारे मामले में आपको नहीं लगता कि कहीं आप पहले उसका नंबर ब्लॉक कर देती हैं? सर मैंने इसे कितने नंबर ब्लॉक किया, बता देती हैं? इस लेवल तक बात ना जाती तो शायद आप आज आप यहाँ पर ना होती, आपके शो में वो भी जिंदा होता बेचारा। यस सर, लगता है ना सर, कि वो बेचारा तो बिल्कुल भी चले वो गलत है, हम मान लिया, हम कहेंगे जो आप बिल्कुल नहीं, हम ये कहेंगे कि अगर उसने बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, बुरे वो अकेले का अंजाम, लोग कह रहे हैं, लोग बताओ क्या पूछ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं वो अकेला ही बुरा नहीं था, लोग तो वही भी कह रहे हैं कि आपने उसका हौसला बढ़ाया, आप ना बढ़ाती आप ना बढ़ाती हौसला तो उसकी इतनी हिम्मत ना होती, ना आपका घर खराब होता, ना आपके हस्बैंड अंदर होते, ना वो दुनिया से जाता। आई एम राइट और रॉन्ग? यस सर। सर मैंने उसका कोई हौसला नहीं बनाया, एक इंसान की हंसी निकल गया, उसको आप इतना बड़ा इशू बना दो, तो इसमें मेरा और आपका कोई कसूर नहीं है। वही कह रहा हूं, चार महीने का आप कह रही है ना, चार महीने तक काम करता रहा, फिर नंबर्स पे कॉलिंग करता था, फिर वो घर आया, फिर घर में भी आपने किसी को, पहले उस वक्त आप ससुर को शोर कर देती, अगर आप नुकसान पहुंचाता तो बंदे इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, आप शोर कर देती, वो आपके ससुर बाहर आ जाते, उसको पकड़ लेते, आप भी बच जाते। सर आपने उसका हुलिया देखा है? उसका हुलिया डाकुओं से भी बदतर था। चले वो उसका हुलिया, उसके बाद लेकिन आपको इतना डाकुओं से भी बदतर था। चले आप लेकिन आप सही कह रही हैं कि इस चीज का ये तो एहसास है ना कि इस सिचुएशन से आप बच सकें। यस सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा नाजिम, यहाँ पर बस मेरा ये मकसद होता है कि अपने तमाम व्यूज को दोनों पहलुओं बताऊं। यहाँ पर इन्होंने जो बता दिया, लोगों के सवाल ये थे कि इन्होंने इससे दोस्ती की क्यों की, और अगर ऐसा था तो फिर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मामलात हुए, पर बचे इस तरह के मामलात से, ये कितना सच बोल रही है कितना झूठ बोल रही है ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद देखिएगा अगर आपको बेहतर लगता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आईजी साहब के अहकाम पर मेरिट पर हो रही है, और अगर ये गुनाहगार होंगी तो डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर ये मामला इसमें इनका कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर उसी के मुताबिक इनसे बर्ताव किया जाएगा। बहरहाल लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, इनको जो कॉल इन्होंने अटेंड की या जो कॉल्स आती थी या जो बात हुई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, इनकी जो उससे जो बढ़ावा दिया गया उससे वो भी ज्यादा, इस चीज तरह नौजवानों को भी चाहिए कि वो शादीशुदा लोगों की जिंदगी में दखलंदाजी ना करें, और जो शादीशुदा लोग हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे मामला में ना पड़े, ये तो अंजाम ऐसा ही है जैसा कि आपने देख लिया। वो लड़का तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जो घर वाले हैं डेफिनेटली उनका यही कहना है कि अब ये लड़की इतनी अच्छी थी तो पहले बता देती, पांच छह महीने तक क्यों मामला चलते रहे। तो ये सारे सवाल मैंने इनसे पूछ लिए, ये कितना सच कह रही है कितना झूठ कह रही है ये तो वक्त ही बताएगा और आप लोग बताएंगे। मतलब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और इस तरह के मामलात से अल्लाह ताला हमें बचाए। लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर कन्फेस की है कि इस सारे मामले से बचा जा सकता था अगर ये उससे पहले स्ट्रिक्टली जो शोहर को बाद में बताया वो पहले बता देती। आई एम राइट और रॉन्ग? जी, तो आज सिर्फ ये था कि मतलब लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, मुझे सिर्फ ये था। अभी आपको पता है ना लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत कुछ कह रहे होंगे। बहरहाल जी, इस दुआ के साथ के लगता हम सब रहम करो और फजल फरमाए, ऐसे मामला से अल्लाह हमें बचाए, मुझे जा दीजिए।